हिमाचल वोकेशनल ट्रेनिंग संघ ने प्रदेश सरकार से नियमितीकरण की मांग की है। संघ का कहना है कि वह पिछले लंबे समय से कॉलेज में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बन पाई है। प्रदेश वोकेशनल ट्रेनिंग संघ के अध्यक्ष कुश भारद्वाज ने कहा कि संघ सरकार से मांग करता है कि वोकेशनल शिक्षा सहित आउटसोर्स के तहत कार्यरत वोकेशनल प्रशिक्षकों के लिए स्थायी नीति बनाई जाए। वह कई बार अपनी मांगों को लेकर सरकार से मिल चुके हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकला है। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो केवल एक ही है कि हमारे लिए सरकार कोई स्थायी नीति बनाए, जिसमें आने वाले समय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं जिस प्रकार से, उनके लिए हम सोच पा रहे हैं। सरकार भी हमसे, हमारी सरकार से एक छोटी सी गुजारिश है कि आप इस चीज़ को इस तर्ज पर हमारे लिए कोई पॉलिसी बनाएं। दूसरा, हिमाचल प्रदेश में अगर हम कॉलेजेस की बात करते हैं तो कॉलेजेस में 150 के करीब करीब टीचर्स वोकेशनल ट्रेनिंग में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। सरकार से हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है, हमने कमेटी के महेंद्र सर को भी हमने अपना ज्ञापन दिया हुआ है, हमने अपनी मांगे रखी हुई है। जहाँ जहाँ हमसे हो पाता है, संभावित हो पाता है, हम सभी को अपना अपना ज्ञापन देते हैं। उज्जवल हिमाचल के लिए ब्यूरो शिमला। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।